नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। देश को आजाद हुए 76 वर्ष हो चुके हैं। धार सहित धार विधानसभा में शहीदों के नाम समर्पित रही एक आयोजक के द्वारा 76 स्थानों पर 76 कावड़ यात्रा, लाडली बहना राष्ट्र धर्म तिरंगा कावड़ यात्रा, 76 स्थानों पर 1,00,000 से अधिक महिलाएं युवा केसरिया ध्वज तिरंगा लिए नजर आई। इस कावड़ यात्रा के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी 76 स्थानों पर पहुंची और 2 विश्व रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र यात्रा के आयोजक राजीव यादव को धारेश्वर स्थित प्रांगण में प्रदान किए गए। आपको बता दें कि धार विधानसभा के 76 स्थानों से आज अनूठी लाडली बहना राष्ट्र धर्म तिरंगा यात्रा निकाली गई। कांवड़ यात्रा जिसमें 1,00,000 के लगभग श्रद्धालु शामिल हुए। यह ऐतिहासिक लाडली बहना राष्ट्र धर्म तिरंगा यात्रा जिसमें महिलाएं कांवड़ लेकर हाथों में तिरंगा लिए शामिल हुई। यह अनूठी लाडली बहना कांवड़ यात्रा आज धार विधानसभा के 76 स्थानों से निकली, जिसमें धार व पीथमपुर में ऐतिहासिक कांवड़ यात्रा रही। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 तीर्थ और पवित्र नदियों के जल को लेकर शिव मंदिरों में जलाभिषेक किया गया। पीथमपुर में 7 किलोमीटर लंबी कांवड़ यात्रा निकाली गई। श्रद्धालुओं ने नेश्वर महादेव पर जल अर्पित किया, वही धार में धारेश्वर मंदिर पर जलाभिषेक किया। आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा का आनंद चौपाटी पर अद्भुत संगम हुआ जो अद्वितीय रहा। चारों ओर महिलाओं की भीड़ से रास्ते खचाखच भर गए। महिलाएं युवाओं के हाथों में तिरंगा झंडा केसरिया ध्वज लहराते हुए दिख रहे थे। यात्रा के आयोजक राजीव यादव को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने 2 विश्व रिकॉर्ड के प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम के डॉक्टर GS ठाकुर, मनोज शुक्ला ने धारेश्वर मंदिर पर आयोजित समारोह में प्रमाण पत्र, मेडल, टी शर्ट, स्टीकर आदि प्रदान किए। एक साथ एक ही दिन एक ही आयोजक के द्वारा 76 स्थानों से कांवड़ यात्राओं का आयोजन। अलग अलग स्थानों से निकली कांवड़ यात्रा में सर्वाधिक महिलाओं की भागीदारी रही, जिसकी वजह से गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम ने अलग अलग स्थानों पर सर्वे किया। वही कांवड़ यात्रा की भूमिका की प्रशंसा भी की। यह कांवड़ यात्रा शहीदों के नाम समर्पित रही। देखें खबर SKP लाइव न्यूज पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। जो फाइनल नंबर निकल के आएगा उसके बाद में हम फाइनल सर्टिफिकेट सर को दे सकते हैं। उसके बाद में सारी प्रोसेस हुई जो भी था आज रोडकट की तरफ से, बट कुछ हिडन भी हमारे साथी हैं जो कि फील्ड में सारी चीज़ें को ऑब्जर्व करें। सर ने जैसा भी आपने देखा कि एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको दिया है, ये फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है। हर महादेव, हर महादेव। ठीक है, अनुमान लग रहा है और लोगों से हम पब्लिक से भी सुन रहे हैं, शायद 1,00,000 से ज़्यादा लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया और लगभग 5,000-6,000 लोगों जो टीम मेंबर्स थे। मुख्य विशेषता जो थी वो यही थी कि महिलाओं की जो जनभागीदारी थी वो पुरुषों के पीछे ज़्यादा थी। नॉर्मली अगर हम देते हैं तो 20% महिलाएँ होती हैं और 80% पुरुष होते हैं। यहाँ पर पहली बार ऐसा देखने को मिला कि महिलाएँ 80% हैं और पुरुषों की संख्या 20% हो रही, जो अपने आप में एक यूनिक चीज़ हो जाती है। और उसी के आधार पे हमने एक दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड जो सर को घोषणा की है उसका भी जल्दी सर्टिफिकेट उनको हम उपलब्ध कराएंगे। क्या है नाम उस रिकॉर्ड का? रिकॉर्ड का है मोस्ट वुमेन पार्टिसिपेटेड इन द कवर यात्रा, जो सेकंड वाला है। फर्स्ट वाला तो आपने देख ही लिया, जो भी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। सॉरी, माय नेम इज मनोज कुमार शुक्ला और ये घनश्याम सिंह था। सॉरी, क्या पद है आपका? मैं उसमें रिकॉर्ड एजुकेट मैनेजर हूँ। बना है गोल्डन बुक का, क्या रहा पूरा? निश्चित तौर पे जिस प्रकार की मेहनत और प्रयास एक शुद्ध लक्ष्य के लिए किया गया था कि इतनी जिन्होंने इस देश को लिए सर्वस्व निछावर किया उनको समर्पित थी ये कांवड़ यात्रा। और 1,00,000 से ज़्यादा परिवारों में जिस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग का जल, चारों धामों का जल और जो पहुंचाया था, हर परिवार ने इसके लिए सहयोग किया और वो सुबह से लाइनें लग रही थी
आप पीथमपुर, इंडोरमा, सागर, घाटाबिल्लो, धार, तिल्ला पूरे 76 स्थानों पर पता करेंगे। हजारों की संख्या में एक एक स्थानों पर कार्यक्रम लोग इकट्ठा हुए हैं। पीथमपुर में 25-30 हज़ार से अधिक लोग थे, धार में भी आप सब लोगों ने देखा कि 25-30 हज़ार से अधिक लोग थे, और ऐसे सभी स्थानों को मिला लेंगे तो हम तो 1 लाख की परिकल्पना की थी, उससे भी अधिक। इसमें माता बहनें युवा सब लोग जुटे हैं, और विशेष रूप से जो लाडली बहना का था, हर परिवार से एक बहन के रूप में कोई ना कोई इस कांवड़ यात्रा में निकला है। हमारी दोनों बहनों ने भी इसमें बहुत, बाकी सभी बहनों ने इसमें बहुत सहयोग किया, और एक अद्भुत और धार के लिए गौरवमयी कांवड़ यात्रा ये साबित हुई है। गोल्डन बुक अवार्ड में इसको दो प्रकार से वर्ल्ड रिकॉर्ड बने इसमें, एक तो इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा एक ही समय पर अलग अलग स्थानों पर निकली, और दूसरी ये कि इतनी मातृशक्ति बहनें इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुई, इतना पहले कभी किसी कांवड़ यात्रा में आज तक नहीं हुआ। ये वर्ल्ड का रिकॉर्ड उन्होंने पुरस्कार के रूप में आज दिया है। भैया क्या उद्देश्य रहा इसका, किस उद्देश्य को लेकर निकाली गई है? पवित्र उद्देश्य था हमारा कि ये 76वां आज़ादी अमृत महोत्सव है, सावन का पवित्र महीना है, सावन के पवित्र महीने में उन क्रांतिकारी परिवारों के लिए समर्पित थी कांवड़ यात्रा, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वस्व निछावर कर इस देश को आज़ाद कराया। उन क्रांतिकारी परिवारों के लिए, उन क्रांतिकारियों के लिए समर्पित थी कांवड़ यात्रा, और उनको समर्पित करने के लिए तिरंगा लेकर लाखों बहनें लाखों युवा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। ये उद्देश्य के तहत आधार में ये भव्य कांवड़ यात्रा हुई। पूरी टीम, पूरी महिला पार्षद और पार्षद भाई भी अपने अपने वार्ड में मीटिंग लेने लग गए थे, और 15 से 20 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये यात्रा सफल हुई है। इसके लिए सभी पार्षद भाइयों बहनों और भाजपा के कार्यकर्ताओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ ही जो महिलाएं कांवड़ उठाकर लाई, उन बुजुर्गों को, बुजुर्ग महिलाओं को, बच्चों को, सभी को, और जिन्होंने इस यात्रा को सफल बनाने के लिए जिन पुरुष भाइयों ने भी सहयोग किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए धर्म के मामले में तो महिलाएं सबसे बढ़कर आगे चढ़कर आती है, और इस बार सावन का महीना था, ऊपर से अधिक मास भी, तो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत ही उत्साहित होकर इस कांवड़ यात्रा में शामिल हुई। हालांकि व्यवस्था को लेकर थोड़ी महिलाएँ परेशान थी, उनको नगरपालिका की तरफ से हमने, पार्षद भाइयों बहनों सभी ने मिलकर यह समझाइश दी कि आपके लिए पूरी व्यवस्था की जाएगी, आपको कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, और आयोजन सफल रहा। कितनी